ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल महल में निधन हुआ। वह 96 साल की थी। महारानी ने 70 साल तक शासन किया। गुरुवार को सुबह उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं बढ़ने के बाद उनका परिवार एबरडीन शायर में उनके स्कॉटिश स्टेट में इकट्ठा होने लगा। पूर्व राजकुमार चार्ल्स अब ब्रिटेन के नए सम्राट होंगे। बता दें कि बंकिंघम पैलेस ने एक बयान में कहा कि महारानी का दोपहर बालमोर में निधन हो गया। बयान में यह भी कहा गया कि द किंग एंड द क्वीन कंसोर्ट शाम बालमोर्स में रहेंगे और लंदन लौट जाएंगे। महारानी 1952 में गद्दी पर बैठी थी और वो अपने अभूतपूर्व सामाजिक परिवर्तन की गवाह रही हैं। उनके निधन के बाद उनके सबसे छोटे बेटे और उत्तराधिकारी चार्ल्स 14 राष्ट्रमंडल क्षेत्रों के प्रमुख के रूप में उनके अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टरों द्वारा महारानी को चिकित्सीय देखरेख में रखने के बाद चार्ल्स और महारानी के करीबी परिवार के सदस्य एबरडीन के पास बालमोरल पहुंचे। उनके पोते प्रिंस विलियम उनके भाई प्रिंस हैरी के साथ रास्ते में हैं, ऐसा बताया गया। ये भी बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक महारानी की बेटी राजकुमारी एनी पहले से ही स्कॉटिश महल में उनके साथ थी और उनके अन्य बच्चे भी। विलियम की पत्नी केट विंडसर में है क्योंकि उनके बच्चे प्रिंस जॉर्ज प्रिंसेस चार्लोट और प्रिंस लुइस का गुरुवार को वहां एक नए स्कूल में पहला दिन था, जिसकी वजह से 96 वर्षीय सम्राट संबंधी समस्याओं से पीड़ित और उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में स्कॉटलैंड में नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस की नियुक्ति सहित अपनी यात्रा में कटौती की थी। बता दें महारानी के निधन पर ब्रिटेन की नई पीएम लिज ट्रस ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हम सब लोग इस खबर से बेहद दुखी हैं जो हमने अभी बालमोर महल में सुनी है। महारानी की मृत्यु से देश और दुनिया के लिए बड़ा सदमा है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वो पत्थर थी जिस तरह आज का ब्रिटेन का निर्माण हुआ, उनके शासनकाल में हमारा देश विकसित और फला फूला है। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ न्यूज, इंडिया।